ये क्या है, तू बीट जूस पी रहा है? अरे ये बहुत डेंजर है, मत पी यार। क्यों? अरे मैं भी कंटिन्यूस 2-3 दिन बीट जूस पिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब बाथरूम जाएगा ना तब पता चलेगा, हर जगह पे ब्लड आएगा। बीट रूट खाने से हमारा बॉडी को क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या हम रेगुलर बेसिक में बीट को खा सकते हैं? क्या डायबिटीज, किडनी स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट को बीट खाना चाहिए? किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हम सभी को हेल्दी रहने के लिए हमारा डाइट में बीट को जरूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि बीट एक हाईली न्यूट्रियस वेजिटेबल है। उसके साथ इसमें एसेंशियल विटामिन, मिनरल, प्लांट कंपाउंड एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है। आप बीट को रोस्ट करके खा सकते हो, बॉइल करके, फ्राई करके, सूप बना सकते हो, सब्जी में और सैलड में भी खा सकते हो। अभी तो डोसा, मोमो, ये जो डिश है इसको डिमसम बोला जाता है, इसमें भी बीट की कुछ परसेंटेज ऐड करा जा रहा है। 100 ग्राम बीट से आपको कितना न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता है इस चार्ट पे आप देख सकते हो। बीट में अधिक मात्रा में विटामिन, मिनरल, आयरन, मैंगनीज, कॉपर पाया जाता है। 100 ग्राम बीट में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में मिलता है, फैट परसेंटेज भी कम है और वाटर अमाउंट 88%। अगर आप वेट लॉस करने के लिए बीट को खाना चाहते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन। वेट लॉस के लिए डाइट में बीट को जरूर ऐड करिए। सेकेंड बेनिफिट, इम्प्रूव डाइजेस्टिव हेल्थ। बीट खाने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि बीट में 3-4 ग्राम फाइबर मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे है। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक ना रहने से आप सभी को पता है कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड जितने भी बीमारी हो गया, IBS और क्रोनिक डिजीज लाइक कॉलन कैंसर, हार्ट डिजीज, type 2 diabetes, ये सब होता है। इससे पता चलता है कि खाने में फाइबर होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीट खाने से ये सब डिजीज की रिस्क कम हो जाएगी। बीट रूट के साथ साथ जितने भी वेजिटेबल में फाइबर अमाउंट है वो सभी को खाना चाहिए। थर्ड बेनिफिट, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल। एक रिसर्च में पता चला कि जो लोग बीट जूस पीते हैं जिसकी हाई ब्लड प्रेशर है, बीट जूस पीने के बाद कुछ घंटे के अंदर हाई ब्लड प्रेशर लेवल कम हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर कम होने की मेन रीजन क्या है? बीट में अधिक मात्रा में नाइट्रेट पाया जाता है। नाइट्रेट होने से ब्लड प्रेशर लेवल तो कम होता है, इसके साथ हार्ट डिजीज और हार्ट स्ट्रोक होने की चांसेस कम हो जाती है। हार्ट डिजीज आगे बढ़ने वाला है, ज़्यादातर यंग जनरेशन लोगों को ये डिजीज हो रहा है, इसका मेन रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। तो अपने डाइट में बीट को जरूर ऐड करिए। नंबर 4 बेनिफिट, इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस। क्वेश्चन ये है कि बीट खाने से एथलेटिक परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगा? सेम रीजन, बीट में एक नेचुरल केमिकल है नाइट्रेट। नाइट्रेट हमारा बॉडी के अंदर जाके रिएक्शन के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हमारा शरीर में ऑक्सीजन लेवल मसल में एक्स्ट्रा 20% तक इंक्रीज होगा। उसके साथ ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। ट्रेनिंग की 2-3 घंटे पहले बीट जूस को कंज्यूम करने से एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। नंबर 5 बेनिफिट, मे हैव सब एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। बीट रूट में कुछ कंपाउंड है जो कि कैंसर एग्नेस्ट फाइट करती है, हमारा शरीर में एंटी कैंसर सेल की ग्रोथ में मदद करती है। सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, हमारा एज बढ़ने के साथ साथ मेंटल फंक्शन कम होती है। बीट में नाइट्रेट केमिकल होने से ब्रेन में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग पावर, मेमोरी पावर की फंक्शनलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बीट में बेटालिन मिलता है। बेटालिन बॉडी पे एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी को क्रिएट करती है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से हमारा बॉडी को क्या फ़ायदा मिलता है? हमारा शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, कैंसर और जॉइंट पेन जैसा प्रॉब्लम की चांसेस को रिड्यूस करता है। बेटालिन टैबलेट और बेटालिन पाउडर भी मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या डायबिटीज पेशेंट बीट रूट को खा सकते हैं? क्योंकि बीट में 8 ग्राम शुगर पाया जाता है और बीट की ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होती है, तो क्या डायबिटीज पेशेंट को बीट रूट खाना चाहिए या नहीं? सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखने से नहीं होगा, डायबिटीज पेशेंट भी बीट रूट को खा सकते हैं, क्योंकि बीट में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज बहुत कम है। शुगर 8 ग्राम, ये नेचुरल शुगर है, कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं। नेचुरल शुगर में इतना जल्दी ब्लड शुगर लेवल बॉडी में नहीं बढ़ेगा और बीट रूट में कैलोरी भी कम है। जिन डायबिटीज पेशेंट की वजन ज़्यादा है वेट लॉस करने के लिए बीट रूट को खा सकते हैं। बस एक कंडीशन है, एक्सेस नहीं खाना है, लिमिटेड क्वांटिटीज में खा सकते हैं। बीट रूट की और एक बेनिफिट ये है, इसमें आयरन के साथ साथ फोलिक एसिड की क्वांटिटी हाई होती है, जिसमें ब्लड की कमी बहुत जल्दी पूरी होती है बॉडी पे। लगातार 4-5 दिन बीट जूस पीने से बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, स्किन ग्लो होगा, इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, हेयर फॉल भी कम होगा। ये तो बेनिफिट हो गया, किसको नहीं खाना चाहिए चलिए जानते हैं। लो ब्लड प्रेशर पेशेंट को जरूरत से ज्यादा बीट नहीं खाना चाहिए। हमने देखा था हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट बीट खाने से ब्लड प्रेशर कम होती है, बट लो ब्लड प्रेशर पेशेंट अगर बीट खाएंगे उनकी ब्लड प्रेशर और भी कम हो सकता है, इसीलिए नहीं खाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की प्रॉब्लम है, बीट रूट खाने से एलर्जी हो सकती है। देन किडनी स्टोन पेशेंट, अगर किसी व्यक्ति की किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति कभी भी
बीट को नहीं खाना चाहिए। रीजन ये है कि बीट में ऑक्सैलेट की मात्रा ज्यादा है जो कि किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को इंक्रीज करती है। अगर पास्ट में किसी को ऑलरेडी किडनी स्टोन हो चुका है उनको भी नहीं खाना चाहिए। देन लिवर प्रॉब्लम, बीट का अत्यधिक सेवन करने से लिवर की समस्या हो सकती है क्योंकि बीट में कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम होते हैं। बीट रूट को एक्सेस खाने से क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में मिनरल लिवर में जा कर के जमा होने लगते हैं और इससे नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट में कॉज कैल्शियम डेफिशिएंसी, ज्यादा बीट खाने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होने लगती है जिससे हमारा बोन वीक हो जाती है। जिसका बॉडी में कैल्शियम की कमी है वो बीट को नहीं खाना चाहिए, बस महीने में एक दो बार खा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट, कलर्ड यूरिन एंड स्टूल। बीट रूट को अगर आप 3-4 दिन लगातार खाएंगे, यूरिन स्टूल पास करते टाइम यूरिन स्टूल ब्लड की जैसा पीरियड और पिंक कलर होगा। कुछ लोग इसको ब्लड समझ लेते हैं। अगर फ्रिक्वेंटली रेड कलर यूरिन स्टूल हो रहा है बीट खाने के दौरान, ये समझ जाओ कि बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।